वेलकम फ्रेंड्स, फूड लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपिका आज आप सभी के साथ मिलकर मावा या खोया बनाने वाली हूँ। आज हम बनाने वाले हैं खोया। ये होममेड खोया है। अगर आप जानना चाहते हैं ये खोया कैसा बना है तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। तो इसको बनाना शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। एक लीटर हमने फुल फैट मिल्क लिया है। अब सबसे पहले हम एक कढ़ाई में जो है हम दूध निकाल लेते हैं और इसको हम बॉईल होने रख देते हैं। अब दूध में हम एक बॉईल आने देंगे। अब हमारे दूध में एक बॉईल आ चुका है। हम गैस को जो है हाई पर ही रखेंगे और इसको हम साथ ही साथ चलाते रहेंगे क्योंकि हमें इसे चलाते हुए पकाकर गाढ़ा करना है। इसे अच्छे से आप चलाते रहें। आप इसे लो फ्लेम पे भी बना सकते हैं और हाई फ्लेम पे भी। हाई फ्लेम पे आपको इसको बस चलाते रहना पड़ेगा। ये देखिए, 5 मिनट बाद हमारा दूध का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। आप इसे चलाते रहें लगातार। ये देखिए, अब हमको इसे 10 मिनट हो गए हैं चलाते हुए। दूध जो है हमारी उसी क्वांटिटी घटने लगी है। अब लगातार आप इसको चलाते रहें। थोड़ा सा मेहनत का काम है पर ये बहुत ही अच्छा बनेगा। बिल्कुल होममेड खोया है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। इससे आप कोई भी अपनी मिठाई बनाएंगे वो बहुत ही अच्छी बनेगी। बीस मिनट बाद देखिए काफ़ी थिक होने लगा है। इसका जितना भी हमारे मिल्क में जितना भी हमारा पानी था वो सब जल चुका है, ये गाढ़ा हो गया है। 30 मिनट बाद देखिए ये हमारा खोया बनने ही वाला है। अभी करीब इसमें 10 मिनट और लगेंगे। इस समय पे आपको जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल ना चिपके, देखिए इस तरीके से। अभी ये बिल्कुल कढ़ाई छोड़ देगा उस समय ये तैयार है। ये देखिए 40 मिनट बाद हमारा खोया बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसने बिल्कुल कढ़ाई छोड़ दी और बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसको हम एक प्लेटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमारा होममेड घर का बना हुआ खोया बिल्कुल तैयार है। आप इस खोए से अपनी कोई भी फेवरेट मिठाई बना सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी है। लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।